हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे, चंगे, भले, मस्त होंगे। और इस साड़ी मेरा एक ब्लॉग जा चुका है और ये दूसरा है। क्यों मैंने एक साथ नहीं डाला? क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाता और आपको बोर लगता। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा था ज़रूर बताना। और ये शॉर्ट है, इसे भी ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। चींटियाँ, मतलब वो काली वाली चींटियाँ आती है ना, वो लग गई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन मौसम खुला हुआ है तो देखो, बारिश भी कभी कभी ऐसा आता है कि एकदम धूप रहे और फिर तो नॉर्मली बूंदाबांदी थी है। दो दिन से वैसे बारिश हो नहीं रही है। मैंने कहा थोड़ा क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। और ये तुलसी जी वृंदावन भी यहाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पे चींटियाँ घूम रही थी। वैसे तो कुछ मीठा गिरा नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा झाड़ दी थी और मैं पूरा क्लीन कर चुकी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये देखो, हमारे रेमबो जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और इनको बोल रही हूँ कि सेकंड दे तो नहीं दे रहा। पता है क्यों? क्योंकि स्वीटी स्कूल जा रही थी ना, कॉलेज जा रही थी। देखो, मारी इसको जब आके दिया, अब नहीं देगा, देखना नहीं देगा, देखना। दोनों हाथ से मांग रही, तो नहीं देगा, उसको मूड खराब है। क्योंकि ना मैंने उसको मारी थी तो गेट पे ना सुसु कर दिया था, असल में बहुत गंदा ही है। तो मैंने उसको एक मारी थी कि तूने क्या किया बता। तो मारने के बाद उसको तो हम चाहे कुछ भी कह लो, मतलब प्यार से मांग लो, नहीं देगा तो नहीं देगा, इतना ही है। और फिर जब मूड अच्छा हो जाएगा तो फिर आप उसको थोड़ा सा पास में भी खड़े हो जाओगे तो खूब लाड़ करेगा, और लाड़ नहीं करोगे तो ये खुद मार के लाड़ करवाएगा, ऐसा है। और ये मेरा बेड शीट जो मैं ये कॉर्नर में हमेशा लेटती हूँ, यहाँ से बैठ कर टीवी देखती रहूँगी, मूवी देखती रहूँगी, तो एक बेड शीट मेरा यहाँ कंपल्सरी रहता ही है। और ये बेड शीट आपने कई बार व्लॉग में देखा होगा, तो क्योंकि मैं यहाँ रखती ही हूँ उसको, मतलब ठीक है, हल्का है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है, चल जाता है। तो बस वो फोल्ड कर रही हूँ और थोड़ा सोफ़ा सेट कर लूँगी। और काम तो है, अब काम इतना क्या दिखाऊँ आपको, आप हमेशा ही देखते हो, डेली का ही वर्क है। तो थोड़ा वो सोफ़ा वोफा क्लीन कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, और फिर सारा वैसे काम हो चुके हैं थोड़े बहुत। बाकी नैन्सी भी मेरी हेल्प कर दी, नैन्सी ने झाड़ू उड़ू लगा लिया था अंदर अच्छे से, और कंपाउंड का थोड़ा था तो मैंने कहा चलो पेड़ पौधे हैं वहाँ, कचड़े हैं तो वो भी बच्ची थकी हुई थी, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा करके थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, वो थोड़ी जल्दी आ जाती है ना, इसलिए। बाकी तो दोनों लेट आते हैं, एक छोटी हमारी टिंकू 2 बजे आती है, मेरे काम हो गए। और ये गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आ जाओ गाइस खाने के लिए, गर्म गर्म फुलके, बहुत अच्छे टेस्टी सब्जी भी चटपटी सी बनाई हूँ। और दाल चावल तो मतलब रहते ही है, कंपलसरी है दोपहर में। तो ये देखिए चटपटी सी आलू और चलाई फली की सब्जी, गाइस बहुत यम बनी थी। और ना दाल के साथ ना ऐसी क्या कहते हैं, लुट पुटार सब्जी होना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं। तो मैंने सब बनाया और मैं रेम्बो को ढूंढ रही थी, खाना वाना खा चुका था वो। तो ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है देख रहा है मम्मी क्या कर रही, वीडियो बना रही है रेम्बो का। रेम्बो ए रेम्बो चल सो जा, अच्छी सो जा। देखो कितने स्टाइल से सोता है, इतना बदमाशी। देखो 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 देखो, क्यूट बाबू मेरा, सोना बाबू रेम्बो, लव यू मम्मी, लव यू। तो देखा रेम्बो मस्त तकिया लगा के सो रहा है और मैं खाना खा रही हूँ। वो ऐसे ही करता है, ऊपर रूम में चल जाता है, लाइट बंद रहती है ना तो कोई नहीं है, तो मस्त बिस्तर पे मजा लेता है। तो चलो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अच्छा कमेंट करना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू सो मच।